मिनी लंदन, मैकलुस्की गंज, प्रकृति की गोद में बसा ड्रीम डेस्टिनेशन आपका कर रहा है इंतजार। आइए अपने यादगार लम्हों को बिताइए ड्रीम डेस्टिनेशन में। राजधानी रांची से महज 50 किलोमीटर दूर आपका अपना ड्रीम डेस्टिनेशन। श्रम नियोजन मंत्री सत्यानंद भोक्ता ने कहा है कि विपक्षी पार्टी को हमारा विकास दिखाई नहीं दे रहा है। पूर्व की बीजेपी की सरकार ने मोमेंटम झारखंड में हाथी उड़ाने का काम किया है, डोभा को बनाने में गरीबों का पैसा बर्बाद कर दिया है। हेमंत सरकार की ओर से गरीबों के लिए विकास योजनाओं के साथ रोजगार देने का काम किया जा रहा है। ये बातें श्रम नियोजन मंत्री सत्यानंद भोक्ता ने हजारीबाग के इचाक में आपकी योजना आपकी सरकार आपके द्वार कार्यक्रम में भाग लेते हुए कहा है। झारखण्ड चलाया है आवास, माननीय मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जी का सपना है, माननीय मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जी का सपना है राज्य में हर गरीबों को अबुआ आवास पक्का मकान हो अपना, ये माननीय मुख्यमंत्री का सपना है। हमारे हार के जीत की दुख मिल गई, हार के जीत की दुख मिल गई, तब ते मौसम में हवा मिल गई, आपके आते ही इस महफिल में हर किसी को दुख के दवा मिल गई। और जो बुनियादी समस्या है, नए गांव में नली, नए गांव में गली एक भी नहीं बनता था, लेकिन आज माननीय मुख्यमंत्री जी ने गरीबों का आवाज बन करके हर समाज के हर जिला के बातों को समझते हैं, जानते हैं कि किन को क्या जरूरत है, हम किसको कहां किस चीज दें जिनको लाभ मिले। अभी आपके सामने कई ट्रैक्टर, कई बोलेरो, कई स्कॉर्पियो, कई लोगों साइकिल वितरण होना है। ये सरकार झारखंड सरकार का बहुत बड़ा एक उपलब्धि है। इसके साथ साथ जो हमारे विपक्ष है वो लोग विकास दिखाई नहीं देता, रोजगार दिखाई नहीं देता कि झारखंड सरकार कौन सा काम कर रही है। जब सत्ता मिला तो कोई काम नहीं किए, हाथी उड़ता नहीं, हाथी उड़ाने में मोमेंटम झारखंड के नाम पर जनता का पैसा पानी तरह बहाने काम किया, और जो बचा खुचा था वो डोभा के नाम पर बहाने काम किया। गरीब को उससे कोई फायदा होने वाला नहीं है, लेकिन झारखंड सरकार ने सबसे पहला हमारे नियुक्ति स्वर्गीय जगन्नाथ महतो जी जो शिक्षा मंत्री थे, उन्होंने जितना विद्यालय में शिक्षक नहीं था 17,572 शिक्षकों की बहाली की, 34,069 शिक्षकों की बहाली, पंचायत सचिव में 2,550 और सहायक अभियंता ने 609, जेपीएससी में 252 और वैज्ञानिक में 129। और जो हमारे पारा शिक्षा आंदोलन करते थे जिनका पुराना मांग था 60,000 भाइयों बहनों का समस्या समाधान करने काम किया, यहाँ तक सभी का आशय का जो हमारे 80,000 महिलाएं जो आंदोलन करती थी, लाठी खाती थी, मार खाती थी, उनका भी झारखंड सरकार ने समस्या निदान करने का प्रयास किया। 16/10/2023 को 827 शिक्षकों की नियुक्ति झारखंड सरकार द्वारा की गई। इसके साथ साथ नगर विकास विभाग से कई वर्षों से बहाली नहीं हुआ था, उसमें भी 827 प्राधिकारी को विभिन्न पदों में वाणिज्य विभाग में लाकर करने काम किया। इसके साथ साथ श्रम विभाग हमारा जो विभाग है ये भी महत्वपूर्ण विभाग है ग्रामीणों के लिए, श्रमिकों के लिए, जो राज्य के बाहर जो श्रमिक काम करने जाते थे जिनको सरकार के द्वारा श्रम विभाग के द्वारा जो कंपनसेशन जो मापदंड है नहीं मिलता था, लेकिन झारखंड सरकार ने हमारा जो श्रम विभाग है, श्रम विभाग का पता सब चला, जब पूरे देश पूरे प्रदेश में COVID-19 जैसे महामारी एक आग के तरह फैला, तब पता चला कि श्रम विभाग का जिम्मेवारी क्या है, कितने मजदूर हैं, किस राज्य में हैं, किस जिला में हैं, किस प्रमंडल में हैं, सभी को उस समय ऐसा अफरा तफरी का माहौल, COVID-19 में पूरा लॉकडाउन था, हाट बाजार बंद था,
लेकिन हम लोग भले ही घर में सोते थे, लेकिन हमारे माननीय मुख्यमंत्री सोते नहीं थे, रात दिन चिंतित रहते थे कि झारखंड समान स्थिति कैसे होगा, कैसे झारखंड को हम बचाएं, कैसे संभाले। और उसके बावजूद भी जब COVID-19 का असर कम हुआ तो गरीबों को ट्रेन से, प्लेन से, बस से लाकर घर तक पहुंचाने का काम किया। इतना ही नहीं, उनका जो आवश्यकता जो जरूरी है उनको देने का काम किया। अभी हमारे विभाग में स्किल डेवलपमेंट के तहत प्रशिक्षण कार्य चल रहा है। अभी माननीय मुख्यमंत्री जी ने मुख्यमंत्री सारथी योजना का प्रारंभ किया है कि हमारे जो भी युवा, जो भी युवती हुनरमंद बनना चाहता है, रोजगार में जुड़ना चाहता है, तो सरकार ने जो 75% एक्ट बनाई है, जो हम लोगों ने सख्ती से लागू किया है, और प्रशिक्षण देकर हुनरमंद बनाकर विभिन्न कंपनियों में हम लोग प्रमंडल स्तर पर हजारीबाग में भी लगभग 11,850 युवा युवतियों को रोजगार से जोड़ने काम किया। जब टूटती है आस, जब थकती है सांस, जब रूठते हैं अपने मुंह मोड़ता है जमाना, जब अंगड़ाई लेता है संकल्प, फिर बनती है कहानी, बनते हैं अनमिट निशान। देखिए मेरे साथ संघर्ष की दास्तान।